बच्चों वो है फलक भट्ट, सुदीप चोपड़ा, चौधरी बुलंद बख्त, लव भी चौधरी मोहसिन। हाँ जी, आज तुम्हारे शो में आने से पहले मैंने चिट्टा कुकड़ और काली श्री का सदका दे कर आया। वैसे तो आप हमेशा सदका लेने आते हैं। ओए आज भी चौधरानी नु देख आया कि तू पका ते मैं शो तो होके आ रहा। और तुम लोग मामले की हसासियत को समझ नहीं रहे। अच्छा जी, तुम्हें नहीं पता कि आज इस प्रोग्राम में कौन आ रहा। गुनाहगार, खताकार, वो शाहकार आए हाय जिसका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस और 22 मुल्कों के टाड़ी कर रहे हैं। मियां साहब के आने पर जो लोग ठट्ठे उड़ा रहे हैं, लंदन ने उनसे इंतकाम ले लिया है। हाय हाय हाय, असल च इंतकाम लंदन ने नहीं पाकिस्तान ने लिया है। कैसे? 150 साल की गुलामी का उस शख्सियत को भेज के ऐसी बदला ले लिया। चौधरी मोहसिन, आज तुम्हारे शो में वो प्लान तैयार होगा जो कभी लंदन में भी नहीं तैयार हुआ। मैं कह मोहसिन पापा, हाँ जी, आज मुर्रख रकम लेके तारीख रकम करेगा। बात करी बहुत बढ़िया यार। खोलो अपने टैलेंट की पटारी और निकाल लो जो सांप निकालना है। ओके, तो खातिनो हजरात, आज यहाँ पर म्यूजिक का फ्यूजन भी होगा और डिफ्यूजन भी, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान तशरीफ ला रहे हैं वो उन टैलेंटेड लोगों के लिए मोटिवेशन है जिनके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा है लेकिन वो मशहूर नहीं हो पा रहे। तो तशरीफ लाते हैं करोड़ों दिलों के स्टंट, करोड़ों दिलों की धड़कन। सबसे पहले तो मैं अस्सलाम करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन बट राइट नाउ इन लाहौर माशाल्लाह एट पब्लिक डिमांड। अच्छा घूमे तो पता लगा पीछे काफी चालर है। क्या बात कर रहे हैं यार, प्यारा है स्टाइल, वैसे मजेदार है ना, लेकिन मैं अफसोस है पहला बंदा है जेड़ा किड्डा लम्मा मुंह तोंदा होएगा। अच्छा वैसे शाहद भाई एक बात की तो आपको बता दें, आपके पास इतना सब्र कहां से आया, आपका बड़ा अच्छा स्टेमिना है, आप की रिसीविंग एंड इतना स्ट्रांग है आपका कि आप मजाक को इतना खुश असलूबी से हैंडल करते हैं। हाउ यू डील विद इट? माशाल्लाह मुझे 8 साल हो गए कि मेरा ओढ़ना बिछाना सिंगिंग है, और उसके बाद यह कि मैंने पिछले 8 सालों में 1193 शोज किए हैं। उससे मुझे ज़्यादा मैंने सीखा हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू डील, जो आपके जो अच्छे बुरे जो कमेंट्स आते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। और फिर ऊपर आज ये अल्लाह ताला का करम और आप सबकी दुआएं। चाहत भाई ये बताइए कि लंदन में वो लॉन्ड्री कहाँ पर है कि जहाँ पर एक तरफ से राणा काशिफ डालें तो दूसरी तरफ से चाहत फतेह खान निकलता है? ओहो, पता क्या होता है? क्या होता है जब आप कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझी, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने यही काम करना है तो फिर आप अपना 100% नहीं 500% आप उसी में डूब जाते हैं, फिर आप मेहनत करते हैं। क्या बात, लवी चौधरी मोहसिन जनाब, मेरा दिल चाहता है कि चौधरी चाहत को 21 तोपों की सलामी दूं। शाबाश, वो भी तोपों के सामने खड़ा करते। सबने पहले तो मैंने कोई बदला लेना है, मैं नकल उतारी है। मेरे तो बगैर पूछे आए ने, क्यों आए से 10 होए। अच्छा टुरदे फिरते ने तो चाहत भाई लगता गत्ते का बंदा हिल नहीं सकता। चौधरी पापा, जेड़ी तू गल कीती ना 21 तोपां ली, ए मन हजम नहीं हुई। माड़ा पूछो के ख्याल है क्या? माड़ा दिल करना है कि मैं चाहत पापे की लेके जावां तत्ते पानी सेक्टर ते। ओके, पहले तो दुश्मनों की तरफ बिला इश्तियाल फायरिंग करा, आए होए, फिर पापे चाहत की खिलार के उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की दावत दिया। अच्छा आपको मालूम है कि पब्लिक डिमांड में आपका कॉमेडी रिमांड होगा, केस खुद लड़ेंगे या फिर चाहत रजा कसूरी साहब को
सुपारी दे दें आप। नहीं, मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा जी। और जीतेंगे हम ही इंशाल्लाह ताला। सर आपकी आमद पर मैंने आपके शायाने शान आरिफ लोहार साहब का चिमटा गरम करके तुम्हें लाना है। क्या लिखते हो यार तुम लोग? आरिफ लोहार का चिमटा गरम करके उससे सर कुछ माहिये लिखे सर। जी जी सर, आपकी इजाजत हो तो सर। जी जी। हो कोई नुस्खा पते दाए ओए, भाई कोई नुस्खा पते दाए, भाई कन्ना नू जो पावे खलियां है, काना चाहत पते दाए ओए, चाहत पते दाए, कोई कम दी थोड़ नहीं है, कोई कम दी थोड़ नहीं, पहट होड़ लई सजनों है, टैलेंट दी सरगम लांदा है जदों है, सब नू देंदा है तुन माया है, सब नू देंदा है तुन माया। बहुत अच्छी है, क्या बात है। चाहता इससे पहले कि MI6 वेम्बले और स्कॉटलैंड यार्ड की टीमें आपको ढूंढती हुई यहां पहुंच गए थे, बैजो आगे भाई। लंदन में बिजली का यूनिट महंगा पड़ता है या आपका गाना? वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। वाह वाह ते जी पया दे जी, मैं उन थोड़े अकाउंट की रकम ट्रांसफर करती है। नहीं तो सवाल का मजा है जी, मुझे क्वेश्चन का मजा है मास्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तुसी दूजे दे भी मजे दा ख्याल रखिया करो ना। जी जी जी। और नहीं चोई साहब, दूसरे दे मजे दा ख्याल के मतलब ए नाल छह कुड़ियां भी रख लन जिस तरह पापे दलेर मेहंदी ने रखियां। आहा चिकनक चिकनक चिकनक, आहा चिकनक चिकनक चिकनक, आहा चिकनक चिकनक चिकनक, आहा। वाह 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 वाह। लावी चौधरी चाहत उठ के वेल भद। यार कितनी खुशी दी गल है, खुदा दी कसम मोहसिन पापे आज तू चाहत साहब की बुला के दिलों उतर गए हैं यार। चाहत भाई जी जी, आप एक ऐसे अजीम फनकार हैं जो मेरे ख्याल में तारीख फिर कभी नहीं देखेगी। आपने लोटे पे गाना बनाया सर, आपने डंडे पे गाना बनाया सर, आपने वर्ल्ड कप पे गाना बनाया सर, और आपने बिजली और महंगाई पे कोई गाना नहीं बनाया, क्यों सर? मुझे एक्सपीरियंस सब हो रहा है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही बनाऊंगा उसके ऊपर भी। हां क्योंकि आवाम की आवाज है आप सर। जी जी शुक्रिया बहुत। तो आप, मैं इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा जरूर जरूर। अगर मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि आप इम्प्रोवाइज भी बड़ा अच्छा करते हैं, तो बिजली पे अगर आप कोई पैगाम देना चाहें गाकर हुक्मरानों को। बिजली 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 बिजली, गैस 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 गैस, पानी पानी बिजली बिजली, गैस गैस पानी पानी बिजली बिजली, गैस गैस पानी पानी, हर वक्त एक ही रौला है, बिजली बिजली गैस गैस पानी पानी रौला रौला। एक्सक्लूसिव गाना। और चौधरी चाहत और बिजली होर महंगी कर दी हूं, और शाला डिगे बिजली। आपको कैसा लगा वैसे इनका? यार सच में दिल से आखू ना तो बड़ा मजा आया यार, है ना? अगर ए तो तेरे शो च सुन लिया ना सी चाहत पापे नू, किधरे होंदी है पूल साइड पार्टी, मैं गोते दे दे के दाद देनी सी। देखो जी पता क्या, आज बस आपने एक डिमांड कर दी आज। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं रिलीज करूंगा इंशाल्लाह ताला। और ये आप जब रिलीज करेंगे तो हमें क्रेडिट देंगे, क्योंकि आईडी हमने आपको दिया। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक और चीज याद रखनी, इस गाने दे विच तुसी मॉडल्स कुड़ियां नहीं पानी है। अगर ज्यादा हिट करना है तो दो मोढ़ियां दे उत्ते यूपीएस रखाने ने। चाहत फतेह अली खान CFA के, आपकी लॉन्चिंग के पीछे कोई यहूदी लॉबी तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पीछे कोई यहूदी लॉबी नहीं,
ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਯੂਦੀ ਲੋਬੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੋਬੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਲੋਬੀ, ਅੱਲਾਹ ਲੋਬੀ। ਆਹ ਯਾਰ ਮੋਹਸਨ ਪਾਪੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਜੁਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਕ ਜ਼ਰਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਨਕ ਤੱਕ ਕਿਆ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਐਨਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਨਹਾਉਣ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਚੌਧਰੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਵੇ ਗਲੈਮਰਸ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿਪੋਪੋਟਮਸ ਨੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ, ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਚੇਜ਼ਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਆਪ ਚੇਜ਼ਾ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਲਕਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਹਮ ਆਪਕੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਐਸਾ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਆਪ ਚੇਜ਼ਾ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਜਿੱਚ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਯੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਵੈਨ ਐਵਰ ਦੇ ਵਾਚ ਮੀ ਵੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਵਾਹ ਸਿੰਗਰ ਹੂੰ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮੇਂ 19 ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੋ 20 ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕੀਆ। ਉਹ ਜੋ ਸੁਬਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੋ ਟ੍ਰੈਕ ਥਾ? ਜੀ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੈਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ 9 ਟ੍ਰੈਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਨੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ ਚ ਪਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਭਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ? ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ। ਮੈਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੰਡਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਅਭੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਜੀ, ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਕੀ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਕੀ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਕੀ ਹੋਤੀ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪ ਹੀਰੋ ਹੈ ਸਰ ਉਸਮੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਥਾ ਜੀ ਉਸ। ਆਏ ਆਹ ਵਾਹ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੋ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਉਸਮੇ ਕਿ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸਮੇ ਹੀਰੋਇਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਨਹੀਂ ਥੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਥੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਥੀ। ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਪਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਖਾ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛੇ, ਆ ਮਾਂ ਕਾ ਚੋਪੜਿਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਆਪ ਦੀ ਜਗੀਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਨਸਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਾਪੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਨਸਰਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ। ਉਹ ਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਖਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾਲ ਸਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਮਕਾਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ? ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੱਝਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਓਪਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ, ਓਪਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ, ਓਪਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਆਈ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਆਏ ਹੋ ਚਾਚੇ, ਗਾਣਾ ਆਪਨੇ ਕਿਸੇ ਸੇ ਸਿੱਖਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਕੇ ਤਹਿਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹੀਂ ਸੇ ਸਿੱਖਾ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 80% ਮੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ। ਹਾਂ, 20% ਯੈਸ ਮੈਨੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਜੀ, ਹਾਂ। आपकी वीडियोस में जो मॉडल्स होती हैं वो अपनी खुशी से आती हैं या आप उनको किडनैप करवाते हैं? नहीं, खुशी से आती है, खुशी से। हाँ, आप तो ऐसे कर ही नहीं सकते चाहत भाई। तारीखी तौर पर तो ये बात वैसे गलत है, लेकिन एक मिथ है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था उनके हाथ काट दिए गए थे। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी कॉन्सर्ट में आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद आप पर आर्टिकल 6 लगा दिया गया उसे? नहीं, इंशाल्लाह ताला ऐसे कभी नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला। इन्हां दा गाना सुनने तो बाद जरदारी साहब बड़े परेशान ने। क्यों? वो बिलावल नाल सिर जोड़ के बैठे ने। वो कहंदे पुत्र बिलावल, मैनू यह दस, चाहत फतेह अली खान जिंज गांदा है, हुण असीं 18वीं तरमीम बचाईए या गाना बचाईए? ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, पा पा पा, सुन दर्द भरे मेरे नाले,
सुर और ताल के संगम से मुसी की वजूद में आई। टाड़ी कसबी पीछे रह गए, आगे निकल गया ताई। है पौंड से करते कमाई, हो लूटी जिसने या 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 राग की नगरी। अब तो इसको उठाल, हाथ पाँव उठाले ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले उठाले, एनु छेती उठाले, एदे नाल एनु भी उठाले, हाथ मेरा भी बुआ। पहले चाहत नु चुकन तो पहले पहले वेख लो कोई टूटिया ते बंदे रहत नहीं गए हो। उठा ले पापा पा, उठा ले पापा पा, उठा ले ओ। रवि तेनु लैण वाले आ गए। मंजिए दी पुछाले, बारों कुंडा कोई लाले, बार निकलने ना छेती पावे, आए पावे ओ। मुझे लग रहा है इनको ना, मुझे राग जो पहला मेरा राग है राग मोहब्बत सिखाना पड़ेगा, राग फिर इंशाल्लाह ताला इनकी ताल मेल इनका सुर ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। भाई साहब कौन किधर? मैं मम्मी हूँ, बेजू बावरा की मम्मी। तो यहाँ क्या लेने आई हैं आप? मैं जवाब लेने आई हूँ, मेरे सरकश गीतों की वजह से मुझे मौत की सजा दी गई और आज मौसीकी का कत्ल करने वाले दंदनाते फिर रहे हैं। इसकी तरफ इशारा है तुम्हारा? मेरा इशारा चाहत फतेह अली खां की तरफ है। मैं चाहत फतेह अली खां साहब को साथ ले जाकर राहत फतेह अली खां से नजर वसूल करूंगी और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए नर्क चली जाऊंगी। चाचा साहब जी जी साईं आगे नहीं लेना ले तुम। आओ ना जवाबी कार्रवाई तो बनती है, मारे इसके मुंह पे अपना कुछ छड़वा गाना। नहीं 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 माशाल्लाह, ही इज वेरी गुड आर्टिस्ट। थैंक यू। आप गाना छड़ो। जी जी नहीं तो मैं कुत्ता छड़ देना जी। तकनीक नकनीक 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 तुन 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 tun tana tun tun tana tun tun tana tun sodiye oy nach oy nach mere naadi gaane o gal paal jaane o jind na lavanga tun tana tun tun tana tun tun tana tun oy nach oy nach Welcome back. You're watching Public Demand. चाहत भाई बहुत से इंटरव्यूज में आपने बताया कि आप क्रिकेट की बेस पे लंदन गए थे, इसमें कितनी सदाकत है सर? बिल्कुल दुरुस्त है, मैं क्रिकेट की बेस पे ही माशाल्लाह जी इंग्लैंड गया था। उससे पहले मैंने यहाँ पे जीसी में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में और पंजाब यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेली।
LCCA की तरफ से और लाहौर डिवीजन की तरफ से। ना करें जी जी नहीं, क्रिकेट ना तोड़ा रोमांस देख के मैं ही कहूंगा कि पीसीबी देना कोई हाथ का दिता ही काम आया। जब से जब आकिब जवेद हैं जो पाकिस्तान के बड़े मायनाथ फास्ट बॉलर जी रहे हैं, वो मेरी ही इजाद है। मैं जब स्कूल में था तो मैं कैप्टन था स्कूल में जी, दो साल के लिए, नाइन्थ क्लास में और टेंथ क्लास में। तो माशाल्लाह उनको मैं हर साल वो करवाता था जी ट्रायल्स, ठीक है जी। तो उसमें उनको मैंने माशाल्लाह मैंने जी आकिब जावेद साहब आपकी इजाद हैं जी जी, मैंने उनको स्कूल में फर्स्ट टाइम मैनेज ही रखा था स्कूल की टीम। दोस्तों भाई बुजुर्ग, आज हमने ये जाना कि आकिब जावेद साहब एक फास्ट बॉलर नहीं बल्कि एक बल्ब है जिनको इजाद किया है चाहत फतेह अली खान साहब। नहीं वाकई तुहाडा क्रिकेट ना रोमांस नजर आ रहा है जी, जिन्हें सिर ते ही पिच बनवा लई है। चाहत भाई, सुना है कि आप कॉन्सर्ट के 8,000 pounds चार्ज करते हैं, सर इसमें गाने के अलावा क्या क्या सहूलियत देते हैं आप? यार मोहसन पापे 8,000 pounds लेंदा है पापा चाहत गान दा, ते बाद चो फंक्शन वालेयां दे भांडे भी धो के आंदा है। और मेहनत भी नहीं करनी पैंदी क्योंकि कूची ते नाल ही लमकाई होई। और सिर्फ भांडे नहीं धोंदा, घर दे जाले भी ला लैंदा है ते बुजुर्गां दे नाखून भी कट लैंदा है। और नाखन ते कंप्लीमेंट्री कटदा है जी 8,000 pounds च अगले दे घर दा प्लंबरी दा काम भी कर आंदा है। और प्लंबर दा काम ते दे कड़े दी मच्छी है, ओए नाल काके दी चंड भी ला के आंदा है। और उन्हां दे घरों चाह पी के कहंदा अज विच चंड घट सी। देखिए इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन शामिल होती है और उसके बाद मेरी सिक्योरिटी होती है और मेरे साथ जी 10 musicians होते हैं। और मेरी शुरू से आदत है कि जो मेरे लिए कोई काम जब भी कोई करता है तो मैं उसको खुश रखता हूँ। सर आपके कॉन्सर्ट की एंट्री टिकट 25 pounds की है, एग्जिट पे कितना लेते हैं लोग? शो की एंट्री टिकट होंगी 25 pounds, एग्जिट टिकट होंगी 25,000 pounds। मेरा ख्याल चौधरी को 2-4 साल लोगों तो पिछे वे, और 25,000 pounds पुरानी गल हो गई मेरी जान। हुण इन्हां दे शो च जिहड़ा एग्जिट करदा है ना उहदे ते उतनी कीमत है जितनी उसामा दे सिर ते सी। ओके ओके नहीं एग्जिट पे नहीं, ये 25 pounds इज इनफ मनी कि अगर आप उधर शो जी करते हैं मिनिमम 25 pounds इज इनफ मनी। एग्जिट नहीं करन देंदे, बूए बंद करा लेंदे ने। अच्छा चाहत भाई, तुसी होर ज्यादा सुरीले हो सकते हो अगर तुसी गरारी वाला चाकू चूसिया करो तो। चाहत भाई, लाखों लोग आपसे प्यार करते हैं। लाखों नहीं करोड़ों, क्या बात है। जहाँ करोड़ों लोग आपको प्यार करते हैं वहां लाखों लोग आपको ट्रोल भी करते हैं ना, तो आप ट्रोलर्स को किस तरह से डील करते हैं? सिर्फ 10% ऐसे हैं कि जो मेरे जो कुछ बैड जी लिखते हैं, कुछ बैड जी बोलते हैं, हमेशा मैं उनका आंसर जी देता हूँ कि आप मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होने ही वाले हैं। मेरा दिल करता है मैं थोड़े को फंक्शन कराना एबटाबाद, लेकिन थोड़ी ऑडियंस आएगी ब्लैक कोबरिया से, गाना सुन के तो नाल ही तुहानू ले जाएंगे। चाहे बॉलीवुड से ऑफर नहीं आई अभी तक आपको? बॉलीवुड से वो शोज की जी आई हैं कि आप उनके लाइव शोज में आए, तो मेरा भी यही दिल कर रहा है कि मैं पहले पूरे पाकिस्तान के जितने चैनल हैं उधर ही आए उनको पहले। क्या बात, ठीक है जी। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड से आपको ऑफर नहीं आएगी, वहां से आलमी बरादरी का दबाव आएगा कि बंदा साढ़े हवाले करो। नहीं, सबसे ज्यादा जो मुझे चाहने वाले वो पाकिस्तान में, उसके बाद इंडियन इंडिया से, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो मुझे जी वॉच करते हैं। क्या बात, क्या बात। और मोहसन पापे, बॉलीवुड तो चाहत पापे नु कोई एक ऑफर हुई है? सब तो पहली ऑफर हुई है कि मन्नत जी तुसा पहुंचना ते शाहरुख खान दे घर दे डक्के कढ़ने ने। ते उतो वेले हुंदे ही एक सेकंड दा पोज नहीं पाना ते जलसे पहुंचना। ओके, उते मिताब साहब दे घर दा वध गया घा, ओ तू कटना है मशीन नाल नहीं मुंह नाल। ਲਾਈਵ ਚੌਧਰੀ ਮੋਸਨ, ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਡਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਰਿਵਰ ਟੇਮਜ਼ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰੇਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਾਪੇ, ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹਤ ਮੈਡਮ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਅਦ। फिल्म देखने के बाद जो नाजरीन का रिएक्शन होगा ना, हाँ जी, उस पे फिल्म बनाए की चाहत
छोड़ दी मैंने। अरे नहीं यार, नहीं छाड़ी यार। यार नाम इंज दा होना चाहिए भी जिन्हें सज्जे खब्बे मौसीकी घूमे, जैसे के चाहत भोपाली। ऐसी बच्चियां नहीं गल है, जे डानोस ते फिल्म बनानी है ते असा नालों वड्डा आईडिया किसे कोल आ सकदा है? असी फिल्म बनासा चाहत अमराव जान। जब बच्चा था टिकना टिकड़ा टिकड़ा, वो बच्चा था वो लूटा टिकता टिकता लिए आए हैं, जो बचा था। वाह मम्मी घोषाल, क्या बढ़िया गीत गाया आपने। आप नाम तो ठीक करें यार फिल्म का, चाहत और उमराव जान। ना 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 मोहसिन पापा, जिस सिचुएशन ते मैं ना रखे ना, चाहत ते अमराव जान एक पेज ते हो गए। अच्छा खैर, लोग जो मर्जी कहते रहे, मेरा ये मानना है कि चाहत फतेह अली खान एक इंसान का नहीं, एक सोच का नाम है। आप अगर गौर करें तो हर शोबे में हमारे यहाँ एक ना एक चाहत फतेह अली खान मौजूद है। आई एग्री, सब तो पहले नंबर ते है अनवारुल हक काकड़। मेरा मतलब है कि अनवारुल हक चाहत। हाँ यार, ये पागल हो चुका है बंदा। ते कर रहे वफाकी सतह की गल, सुबाई सतह ते भला चाहत कौन है? कौन? चाहत नकवी। आरती लौंडे हैं ये। अब वैसे तो सदर चाहत अरबी भी है, ओ। लेकिन उनकी सूरत हाल छोले के ठाकुर जैसी है। लेकिन ऐसे सिचुएशन ते जेड़ा सफे अव्वल दा बंदा उस हां तुसी भूली गए हो, मुफामत दा बादशाह चाहत जरदारी। बहुत बढ़िया। अब वैसे तुम लगता है कि मियां चाहत शरीफ चौथी यारी वजीर है तो बढ़ जाएंगे। और चौधरी गल तो सांदी ठीक है, बाण ते जासन, लेकिन दो त्याई अक्सरियत नहीं ले सकते, और क्योंकि चाहत त्रीन दी पार्टी नु भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा देना है ना। चाहत के अब्बू या चाहत महमूद कुरैशी अगर बाहर होते तो सूरत हाल कुछ और ही होती। यार कितना अच्छा आ गया चाहत महमूद कुरैशी यार। ऊपर से चाहत उमर ने भी सियासत से किनारा गशी कर ली। और चाहत इस्माइल भी छोड़ गया उन्हें। देखिए दोस्तों, सियासी खुदकुशी के बाद मेरे ख्याल में सियासत से किनारा गशी ही बेहतर थी। लेकिन आपको पता है कि सियासत की इस फ्री स्टाइल रेसलिंग में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? किनो? चौधरी चाहत इलाही और चौधरी चाहत हुसैन का। बहुत आला। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तेरी इस गलत में पलके आर्गुमेंट कर सा के पॉलिटिकल स्टाइल। वैसे आप लोगों ने कभी गौर किया कि चाहत जो है ना वो सहाफत की फील्ड में भी काफी देखने को मिलते हैं? जी जी, डॉक्टर चाहत मसूद नू बड़ा कौन बोल सकता है। खाली हो नहीं जी, चाहत हमीद पट्टी दी भी ते गल करो ना। अच्छा वैसे चाहत मानिका के इंटरव्यू के बाद चाहत खान ज्यादा पे भी काफी तनकीद हो रही है। लेकिन चाहत चौधरी ने उनसे कुछ नहीं सीखा, किताब वाली अदाकारा का फिर भी इंटरव्यू कर लिया। अरे शुक्र करें कि कोई ऐसा इंटरव्यू रीदा चाहत फारूकी, कामरान चाहत या चाहत लुकमान ने नहीं किया। लेकिन मैं मान गया हूं चौधरी चाहत वड़ैच को, अच्छा, जिन्होंने कहा था ये चाहत नहीं चलेगी। चौधरी के बार पूरा कीता कि ये कंपनी नहीं चलेगी, लेकिन देख लो तुसी ओही कंपनी हुण दोबारा चलना लीजिए। Welcome back. You're watching Public Demand. उसी की हम शर्मिंदा हैं, उसी की हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उसी की हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, राहत हम शर्मिंदा हैं, चाहत अभी जिंदा है। भाई साहब कौन है आप, कहां पाताल से निकल कर आ गए यहां पर? मैं हूं तारा मसीह दोई। फांसियां देना हमारा खानदानी पेशा है, बल्कि फांसियां देने में हमारा घराना शाम चौरासी घराना है, और मैं उस घराने का बख्त अली खां हूं। अच्छा इतना लंबा तारुफ करवाने की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ ये बताएं करने क्या है आप यहां? ये चाहत फतेह अली खान हमारे क्लाइंट हैं, इन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए।
क्या करोगे तुम इनके साथ? हम इन्हें तख्ताएदार पर लटका कर इन्हें अमर करना चाहता हूँ और शहीदे मौसीकी बनाना चाहता हूँ ताकि आने वाली नस्लें ये नारे लगाए, क्या कल भी चाहत जिंदा था, आज भी चाहत जिंदा है, कल भी चाहत जिंदा था, आज भी चाहत जिंदा है। जिदनल तू मखौल कर रहे हैं, तेनू पता है बंदा कौन है? कौन है? और डॉलर दे उत्ते जेड़ी तस्वीर है ना, वो इन्हां दे दादा जी ने। मैं कर लागे सारे साड़ देने हूं। चाहत भाई, अब हम आपका जर्नल नॉलेज चेक करने जा रहे हैं। कुछ शख्सियात के नाम लूंगा, आपको गेस करना है कि उनका पेशा क्या है, वो क्या करते थे, क्या करते हैं। ठीक है, आप तैयार हैं सर? ओके। उस्ताद सलामत अली खान साहब कौन थे? सिंगिंग करते थे, गाते थे। ठीक जी जी। परवीन सुल्ताना कौन थी? परवीन सुल्ताना, नहीं सुल्ताना का नाम सुना है, परवीन सुल्ताना पता नहीं सच्ची मुझे। सुल्ताना डाकू को जानते हैं? जी जी जी। अलग तो नोल है। सर, उस्ताद तारी खान कौन सा साज बजाते थे? तबला। सर, तारी साहब तो तबला बजाते थे, ताफू खान साहब क्या बजाते थे? ताफू खान साहब जनाब वो करते थे जी ड्रम, ड्रमर। वेल डन जी, वेल डन, शाबाश, जिन्ना अच्छा नॉलेज है ना, कनेडियन सप लड़ना तो। सर, साहिर अली बग्गा कौन सा साज बजाने में मशहूर है? सर उनको तीन चार माशाल्लाह आते हैं। अच्छा। लेकिन ये कि ज्यादातर उनके हाथ में गिटार ही होती है। सर बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, होती उनके हाथ में गिटार, लेकिन मशहूर वो ड्रमर है। ठीक। सर राणा सनाउल्ला कौन है? सर राणा सनाउल्ला साहब जी सियासतदान है, तो मुझे लगता है वो भी कुछ ना कुछ बजाते जरूर है। चौधरी परवेज इलाही इस वक्त कहाँ है? सर चौधरी परवेज इलाही मेरा ख्याल इस वक्त किसी जेल में आई थिंक। वेल्डन यार, वेल्डन, सारा नॉलेज है तुहानू, अल्लाह करे तुहानू मोटरवे का फंक्शन मिले ते गड्डियां 120 दी स्पीड ते दांत दे के लंघ जाए उत्तों तुहाडे। चाहत भाई, अब आपसे हम कुछ तुन ताना तुन किस्म के सवाल पूछेंगे, कि आप हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। सर, उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब या फिर शफकत अमानत अली खान साहब? जी राहत साहब। राहत साहब, ओके। सर, दुलेर मेहंदी साहब का बोलो तारा रा या लेडी गागा का जस्ट डांस? बोलो तारा रा रा रा, बोलो तारा रा रा रा, बोलो तारा रा 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 रा। तो जी पाकिस्तान में भरपूर कामयाबी के बाद अब दिल्ली में भी फांसी मिलेगी आपको। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जी जी जी। अच्छा, चाहत भाई वर्ग बंदे ने मोटरसाइकिल सिर्फ इस वास्ते अच्छी लगती है कि अगो वाल नहीं उड़ते जी। सर, किंग ऑफ कॉमेडी आप किसको समझते हैं? सर अमानुल्लाह खान साहब को या फिर उमर शरीफ साहब को? अमानुल्लाह साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। दोनों लेजेंड के लिए तालियां। दोनों लेजेंड के, क्या बात है। सर, कासिम के अब्बा या मरियम के पापा? कासिम के अब्बा या मरियम, सियासी। अस्सलाम वालेकुम। पता क्या, कासिम के अब्बा या मरियम के पापा, पता क्या, मैं हमेशा पिछले 4 साल से कह रहा हूँ, मुझे सभी पार्टीज वाले कहते हैं कि आप हमारे लिए एंथम लिखें, गाएं। कुछ पार्टीज ने ऑफर भी किया है कि अच्छा, हमारी पार्टी में आऊं। मैं फिर से वही कहता हूं कि मैंने अगर सियासत करनी हुई तो मैं अपनी पार्टी लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तुसी किसे पार्टी का अगर एंथम बढ़ाया ना तो मैं गौरी एंथम मारना तुहानू। ठीक। चाहत भाई, अब जाते जाते आपको एक जहमत देनी है, हमने हमारा एक हैप्पी रोस्टिंग सेगमेंट है, और जाते जाते हम आपका गाना ना सुनेंगे, कैसे हो सकता है? इस अजाब से गुजरने के लिए तो मैंने यहां तक पहुंचा था करियर में 20 साल बाद। आइए सर। चाहत भाई, पहले तो कुछ सुनाइए, अता कीजिए हमें, उसके बाद फिर हम आपको हैप्पी रोस्टिंग की जानिब लेकर चलेंगे। जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा चाहत पापा, जो तुसा की कोई गाने की फरमाइश करता है तो क्या महसूस करते हो? बड़ी खुशी होती है ना, माशाल्लाह। अच्छा, तुसी माशाल्लाह इंशाल्लाह इन्नी वारी कहंदे हो, दिल ही नहीं करदा तुहानू कुछ कहण ते। तुसी अल्लाह सादे सिंगर हो, सूफी नहीं। क्रिएटिव आदमी है, जेड़ा बंदा सिर चो गोडा कढ रहा है कोई आम नहीं है। जी जाबे। कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली, कमीज तेरी लाल, कमीज तेरी चिट्टी, ओ कदी लाले कदी पाली, कमीज तेरी काली, कमीज तेरी लाल, कमीज तेरी हरी, ओ कदी लाले कदी पाली। मैं
ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਉਬਲਿਆ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਦੋਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਕ ਗੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਬ ਆਪ ਯੇ ਵੀ ਬਤਾਈਏ ਗਜ਼ਲ ਪੇ ਡੈਜ਼ੀ ਕਟਰ ਕੈਸੇ ਗਿਰਾਤੇ ਹੈਂ ਆਪ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਜ मैं तेरा आज हूँ कल पर न देख टाल मुझे मैं तेरा आज हूँ कल पर न देख टाल मुझे सर ये जो अजाब है ये ठुमरी पर उतरा अब तक ये नहीं जैसे कि मैंने कहा कि माशाल्लाह मैंने 11 राग लिख लिए हैं और एक राग लॉन्च कर दिया है इंशाल्लाह ताला बाकी जो 10 राग हैं वो भी मार्केट में आएंगे सर वो आपका जो मशहूर राग है राग मोहब्बत उसमें कुछ अता कीजिए सर जी राग मोहब्बत सिर्फ पहली लाइन जी सुनाता हूँ जी जी जरूर बाबे पढ़ो माशाल्लाह सब गाना शुरू हो गए ये मेरी जीत की पहचान है अपने जुगत खा चलो जी जुगत मैंने कभी की नहीं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये बरीक कंगी की तरह है ये भी जुगत क्यों की थी जड़ी अपने काम आवे अगली बारी है अल्लाह रखा साहब ये मुझे बिजू बाबरा की मम्मी कम लग रहे हैं ये ज्यादा सिंगाकारा की अम्मी लग रहे हैं अगली बारी चौधरी साहब आप मुझे दूध मक्खन पसंद है तो ये मुझे लग रहा है कि ये भैंस के मंजले बेटे वाजिद खान साहब की बारी ए जिन्ना मर्जी सियाना होवे मेहरबानी जी लेकिन हमेशा अपनी सालियां दा प्यारी प्यारी सालियां दा ते सोहनी बेगम दा मकरूज ही रहंदा है यानी कि अपनी फैमिली दा टाउन मकरूज है सर अगली बारी है मैडम फलक की मैनू इस तरह लगता है कि मेरी ये होने वाली साली है करनी है रिश्तेदारी नहीं जुगत नहीं जुगत नहीं है जुगत दी जुगत नाल अरबी भी पार्टी अच्छा इतने नान पूरा आंदा कि रोटी अगली बारी जोहा जी की जी अक्सर ऐसी प्यारी खूबसूरत लड़कियां लंदन आई पे जाके ऊपर से देखती हैं कि मेरा कुछ गिर गया है वो दिल भी है और कुछ और भी गिर सकता है आए हाय हाय यार दिल गिरे या पैसे गिरे बंदा गिरे होना नहीं होना चाहिए पापा चाहत सारे दी तुसी एक एक बिस्ती कर दी नहीं 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 ये थोड़ा जरूरी होता है हुण वारी है असां दे होस्ट दी जी जी ए पापा जी थोड़ा आगे आओ यस सर क्या खूबसूरत पेंट कोट पाया बंदा तेरी बाह मरोड़े ते बाहर 1.5 लाख कहां इकट्ठा हो जाएगा इन्हां नु कोई गल करनी हुण तुसी नहीं माशाल्लाह मोहसिन भाई ने पिछले 2-3 सालों में बड़ी तरक्की की है वाह अच्छे सिंगर भी बन रहे हैं ये आजकल सिंगिंग की क्लासेस भी ले रहे हैं और एंकर तो हैं ही अच्छे और सबसे अच्छा जिनमें है कि इनमें वो है एंथुसिएज्म है ठीक है सिर्फ एक ही चीज मार खा गए की कमीर तेरी काली थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग